तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें सब डाटा दिया हुआ आपका, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो दे रखी है कि फाइंड द रेट ऑफ फ्लो एज्यूम द 4% ऑफ द डिफरेंस हेड लॉस्ट बिटवीन इनलेट एंड थ्रो। तो यहाँ पे जो एक डाटा दे के रखा है आपको, वो बात ध्यान देने वाली है कि जो हेड लॉस हो रहा है आपका वो क्या हो रहा है, डिफरेंशियल हेड। मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंशियल हेड हो रहा है बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट के बीच में, उसका 4% लॉस हो जा रहा है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये देख लीजिए। यहाँ पे जैसे आपने एच कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो एच डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट होगा। और ये आपका एच क्या है, डिफरेंशियल हेड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं भाई पीजो मैट्रिक हेड डिफरेंस। तो ये हो गया भैया पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। तो ये कैलकुलेट हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि भैया एचएफ मतलब जो लॉस हो गया वो कितना है, 4% ऑफ द एच, ये डिफरेंस पीजोमेट्रिक हेड है ना डिफरेंस, उसका 4% आपका लॉस हो गया। तो भाई ये लॉस क्या बताता है, ये लॉस बता रहा है कि भाई एक्चुअल में कितना हुआ होगा। अब देखो अगर मैं बता रहा हूं कि भाई लॉस हो गया, तो ये तो लॉस हो गया, तो एक्चुअल हेड कितना रहा, एक्चुअल हेड कितना रहा, इतना रहा एक्चुअल हेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक्चुअल हेड की, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम से। जैसे कि सीडी कैलकुलेट करना है एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, तो एक्चुअल वाले के लिए जो हेड बचा है वो तो भाई इतना बचा एच माइनस एचएल, ठीक है, और ये थ्योरेटिकल हो गया। तो इस जगह पे जो फॉर्मूला है डायरेक्ट आपका ऐसा बन के आता है कि भाई आपका एक्चुअल के लिए एक्चुअल हेड डिफरेंस रख दो, जो कि एच माइनस एचएल है। यहां से रखने के बाद सिंपल फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके ये मिल जाता है। तो यहां से सीडी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में इतना है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ और चीज लिख के रखी थी मैंने लास्ट क्लास में, जैसे कि सीडी की वैल्यू जो होती है ना 0.98 से 0.97, ये होती है भाई वेंचुरी मीटर के लिए। तो जब भी वेंचुरी मीटर की बात करेंगे तो इसी के अराउंड आपका सीडी का वैल्यू रहेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि भैया 0.7 0.6 ऐसा नहीं मिलेगा। 0.6 किसके केस में मिलेगा आपको, और ऑर्फिस के केस में मिलेगा। ऑर्फिस मीटर जो होगा ना उसके केस में 0.6 के अराउंड मिलेगा आपको वैल्यू। उसके बाद ये था कि ये आपका एक और क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना था, देख लीजिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, इसको क्रॉस करके आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे केस क्या है आपका, वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि ए, और मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर ए है, यहाँ पे प्रेशर बी है। तो यहाँ पे दोनों का ना प्रेशर डिफरेंस दे के रखा, तो जो प्रेशर डिफरेंस देगा तो उसका मैं प्रेशर को हेड के टर्म में डिफरेंस लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों में ऊंचाई का कितना अंतर दिया है ये। तो अगर मैं जेड वन को 0 लेता हूँ तो जेड टू कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिडर इट एज अ डेटम, ठीक है, डेटम कंसिडर कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, तो जो आपकी एच वैल्यू रहेगी, दैट एच, दैट इज एच वॉट। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि भैया क्या है, ये पीजियोमेट्रिक हेड डिफरेंस है, ठीक है। तो पीजियोमेट्रिक हेड डिफरेंस मैं बार बार रोज एक इसलिए बोलता हूँ भैया, ये हेड डिफरेंस नहीं है, ये पीजियोमेट्रिक हेड डिफरेंस है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे पी वन हो गया प्लस पी वन अपॉन रो जी प्लस जेड वन माइनस पी टू अपॉन रो जी प्लस जेड टू, ये होता है। तो यहां से आपको ये पता है, ये 2 मीटर पता है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर जाएंगे यहां से, ठीक है। तो ये इक्वेशन निकल के आता है, ये क्या बर्नौली इक्वेशन है, या बर्नौली इक्वेशन। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात है कि यहाँ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज दिया कि नेग्लेक्टिंग ऑल दी लॉसेस। ये क्वेश्चन में बोल देता है कि नेग्लेक्ट कर लो ऑल दी लॉसेस को, तो जब ऑल दी लॉसेस नेग्लेक्ट कर लूंगा तो भाई सीडी वाला कोई फैक्टर नहीं बचेगा, ये सिंपल वन हो जाएगा। मतलब जो थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है वही एक्चुअल है, किस लिए, जब मैं लॉस को नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो इस केस में सिंपल बर्नौली इक्वेशन का ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बर्नौली इक्वेशन सिंपल लगा दिया, यहाँ पे कोई लॉस वाला टर्म ऐड नहीं दिया है, ठीक है। अब सिंपल इसको देखो वैल्यू पुट करते जाओ। अब देखो यहाँ पे आपका वी ए और वी बी 2 वेरिएबल है, तो पहला बर्नौली इक्वेशन से आपका वी ए और वी बी के टर्म में एक इक्वेशन आता है, और आप दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाते हैं, कंटिन्यूटी वाले फॉर्म से। तो आपके पास ये 2 वेरिएबल है, वी ए मतलब वेलोसिटी एट ए पे और वेलोसिटी एट बी पे। तो यहां से आपका दोनों वेलोसिटी मतलब 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात बोलता है क्वेश्चन का अगला पार्ट है, ये यहाँ पे पहले तो प्रेशर डिफरेंस बता दिए थे क्या क्या था, अब बोल रहा है कि यहाँ पे आपका अगर मैं कोई मर्क्यूरी मीटर लगाता हूँ, ठीक है, सॉरी मैनोमीटर लगाता हूँ यू टू टाइप का,
और उसमें मर्करी फिट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स कितना आएगा, सिंपल सी बात है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है द टर्म ऑफ एक्स, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला क्यों लगेगा 10 बार बता चुका हूँ। ठीक है, ना समझ आए तो फिर से प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ से वैल्यू आ जाती है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं एक चीज बताने वाला था कि यहाँ पे लोग क्या गलती कर जाते हैं, क्या गलती कर जाते हैं कि जब 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी का मर्क्यूरी यूट्यूब मैनोमीटर पे डिफरेंस देता है, लेट्स सी, ये मैं स्लाइड फिर से बता देता हूँ, देखिए क्या है ये, देखिए यहाँ पे बोलता है, अगर किसी क्वेश्चन में बोलता है कि जैसे कोई पाइपलाइन है, ठीक है, दिस इज योर पाइपलाइन, और यहाँ पे सपोज कर लो कि ऐसे प्रेशर दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे सपोज करके रखो भाई, प्रेशर दे के रखा है, मेक इट क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देता है भाई कि दोनों के बीच में ना प्रेशर डिफरेंस कितना है, सपोज दिस इज मर्करी फिल्ड विद मर्करी, ओके, ये पूरा आपका मर्करी भरा हुआ है यहाँ पे, तो इनके बीच में मान लो प्रेशर डिफरेंस दिया है कितना 20 सेंटीमीटर का, तो ये बताइए कि भाई पी ए और पी बी पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे लोग जल्दी में गड़बड़ी कर जाते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं पी ए माइनस पी बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस रो जी मर्करी का, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये भाई जो कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे गलत हो जाता है इक्वेशन, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो देखिए इसके लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे लाइन खींचे और यहाँ पे सपोज करो वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ पे भाई ये वाला जो पोर्शन है इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे आपका पी ए है, ठीक है, ये पी बी की बात कर रहा हूँ, तो देख लो क्या होगा, यहाँ पे आपको पूरा इक्वेशन लगाना, सपोज करो कि ये हाइट देके रखी कितनी है, ये हाइट है सपोज H1 और ये हाइट है सपोज H2, तो आप देखो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे, भले फॉर्मूला याद ना रखो कर जाओगे, ये X, ये X, ये मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि देखो यहाँ पे आपका यूट्यूब में मर्क्यूरी भरा हुआ है, तो ये जो लेवल है और ये जो लेवल है यहाँ पे दोनों इंटरकनेक्टेड है और सेम फ्लूइड है, तो ये एक्स एक्स लेवल पे प्रेशर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक जैसा होगा, मतलब टोटल प्रेशर एट वन इज इक्वल टू प्रेशर एट टू, तो यहाँ पे केवल आपको इक्वेशन लिखनी, जैसे पी ए प्लस वाटर जी, देख लीजिए ये हो गया एच टू, ठीक है, प्लस अभी भी वाटर भरा हुआ यूट्यूब मैनोमीटर में इज यहाँ पे, ठीक है, प्लस जी और बी सेंटीमीटर इज इक्वल टू वॉट प्रेशर एट बी प्लस, अब देखिए यहाँ पे भी वाटर भरा हुआ, तो रो वाटर एच वन जी भी जोड़ लीजिए प्लस, अब देखो यहां मर्करी भरा हुआ, तो यहां पे आया मर्करी जी और 20 सेंटीमीटर, तो मैं बार बार आपको बताते रहता हूं कि भाई बेसिक से चलिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आया यहां पे, ठीक है, तो यहां पे प्रेशर डिफरेंस लिखा था, मैंने काट दिया, बोला भाई प्रेशर डिफरेंस नहीं हुआ, जब ये जेड वाला टर्म छोड़ देते हो ना तो उसको बोलते हैं प्रिजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन आईएएस आईएएस या पीएससी बोल देते हैं लोग, ठीक है, जो भी 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन कि भाई पिजोमेट्रिक हेड क्या होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो इसका आपका आंसर क्या होगा भाई, प्रेशर हेड प्लस डेटा हेड, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में, तो पिजोमेट्रिक हेड को आप भूलेंगे नहीं कि वो क्या है, प्रेशर हेड और डेटा हेड का सम्मिश्रण है, केवल प्रेशर हेड नहीं, ये गलत लिखा था यहाँ पे, यहाँ पे क्या देके रखा है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, द लॉस ऑफ द हेड बिटवीन मैन एंड द थ्रोट इज 0.2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक हेड ऑफ द पाइप, तो भाई काइनेटिक हेड क्या होता है, जो पानी फ्लो कर रहा है ना वी वेलोसिटी से, उसका 0.2% 0.2 ऑफ लॉस हो जाएगा एचएल। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं हेड लॉस की, ठीक है, तो यहां हेड लॉस हो जा रहा है, तो यहां पर जब हेड लॉस हो जा रहा है तो सिंपल आपका जो बर्नौली इक्वेशन है वो ऐसा बन के आ जाएगा, ठीक है, तो ये हेड लॉस आप जोड़ दो, ठीक है, तो यहां हेड लॉस जोड़ दोगे, अब देखो यहां पे आपका जो टर्म है पिजोमेट्रिक हेड डिफरेंस वो आपका ये देखिए यहां 30 सेंटीमीटर क्या है, जो भी आपका फ्लूइड है किसमें, यूट्यूब मैनोमीटर में, यहां इन्वर्टेड टाइप का यूट्यूब मैनोमीटर यूज किया गया है, क्योंकि यहां पे जो आपकी ये
डेंसिटी है ना मैनोमीटर फ्लूइड का वो कम है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी इन द पाइप, इसलिए ये इन्वर्टेड टाइप का है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पता है मतलब मैनोमेट्रिक डिफरेंस, वहां से हम लोग प्रिजोमेट्रिक हेड डिफरेंस निकाल लेंगे h की वैल्यू, h की वैल्यू निकालेंगे तो ये इतना बड़ा टर्म मुझे पता चल जाएगा, तो उसके काम बर्नौली इक्वेशन में जब लगाऊंगा सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो भाई क्या क्या देके रखा है, यहाँ से आपका h की वैल्यू निकल गई तो बर्नौली इक्वेशन में सिंपल सा आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इक्वल टू h लॉस, h लॉस को आपको क्या लिखना है 0.2 ऑफ v स्क्वायर अपॉन 2g लिखना है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके कितने वेरिएबल बच रहे हैं भाई, v1 एंड v2। फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के v1 और v2 की एक और इक्वेशन मिल जाएगी, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्फिस मीटर का, ऑर्फिस मीटर क्या होता है, तो ऑर्फिस मीटर ना पहली बात यह है कि ये भी फ्लो नापता है, तो रेट ऑफ फ्लो नापता है ये, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं वेंचुरी मीटर से थोड़ा सस्ता होता है, चीपर डिवाइस, याद रख लीजिएगा फैक्ट। और देख लीजिए क्या होता है, जैसे ऑर्फिस मीटर होता है ना इसमें क्या होता है कि आप एक प्लेट लेंगे सर्कुलर प्लेट और उसको बीच से होल कर देंगे बस। अब इस जो प्लेट लिए है ना सर्कुलर वाला बीच में होल करके इसको ना पाइप के बीच में लगा देंगे, तो जहां पे आप लगा देंगे इसी को बस बोलते हैं वेंचुरी मीटर, सॉरी ऑर्फिस मीटर बोलते हैं। तो ऑर्फिस मीटर जब लगा देंगे तो अब देखिए इसमें प्रेशर कैसे होता है, देखो बच्चों यहाँ पे ये पाइप था, यहाँ पे आपने मैं वो दिखा रहा हूँ क्या बोलते हैं दिस इज द साइड व्यू, तो आपका जो प्लेट रहेगा वो भी कैसे दिखेगा, हालांकि एकदम ट्रू व्यू नहीं बना रहा हूं मैं, कुछ ऐसा भी बना रहा हूँ जिससे थोड़ा समझे, यहाँ होल है ठीक है, तो यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा, तो देखो पानी ऐसे एकदम ऐसे कट थ्रू ना मारेगा, पानी थोड़ा स्ट्रीम लगे थ्रू ऐसे फ्लो करेगा लाइक दिस। अब यहाँ से ऐसे जाएगा फिर ऐसे करके डाइवर्ज होके अपने रास्ते में चला जाएगा पानी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो क्या है, ये देखो यहाँ पे आपको एक साइड इनलेट में लगाना है यूट्यूब का, और एक साइड जो आपको लगाना है वो कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो ये जो डिस्टेंस है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑर्फिस मीटर की कुछ दूरी पे आपको मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है, इसलिए मिलता है। ये देखो पानी का फ्लो का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो एकाएक सीधा नहीं होगा, वो थोड़ा दूर जाएगा फिर सीधा होगा, इसलिए आपको कुछ दूरी पे ही सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शन का एरिया फ्लो का एरिया मिलता है, जिसको बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो वीना कॉन्ट्रैक्टर हो गए, तो इसकी जो दूरी होती है ये होती है भैया 0.5 टाइम डायमीटर, डायमीटर क्या है दिस इज द डायमीटर, और ये जो दूरी होगी ये है 1.5 से 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, ठीक है ये हो गया। तो यहाँ पे आप लगा दोगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसका भी डेरिवेशन होता है सिंपल, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, कुछ ज्यादा है नहीं। इसमें मेन चीज क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है, जो वीना कॉन्ट्रैक्टर होता है वो एक्चुअली हम तो मेजर नहीं कर सकते, तो एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे वीना कॉन्ट्रैक्टर ये सेक्शन 2 है ना वीना कॉन्ट्रैक्टर वाला, तो सेक्शन 2 में मान लो ये है एरिया, लेकिन उसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करता हूँ, मैं A2 के फॉर्म में कर लेता हूँ, सॉरी ए नॉट के फॉर्म में करता हूँ। ए नॉट मतलब ऑर्फिस मीटर में जो ये इंटरनल एरिया है ना ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके फॉर्म में कैलकुलेट करता हूँ। तो एक फैक्टर यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम ये है वीना कॉन्ट्रैक्टर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो A2 बाई A0 को CC से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये इक्वेशन कुछ मिलता रहेगा, बहुत ही सिंपल है, एक बार आप गो थ्रू होंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे इसमें, ठीक है ट्राई कीजिएगा। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो याद रख लीजिए, जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या आता है, देखिए जो फाइनल एक्सप्रेशन है आपका इसी के फॉर्म में आ रहा है, जो फाइनल इक्वेशन रहेगा इसमें भी डिस्चार्ज का, ठीक है डिस्चार्ज एक्चुअल, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्चार्ज का ये सीडी था ना, इसमें भी सीडी आता है, और यहाँ पे A1 आता है और A0 आ रहा है, डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर अंडर रूट 2gh, ठीक है। तो वो h क्या था, ये भैया पीजियोमेट्रिक हेड डिफरेंस था,
ठीक है. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट सीडी. सीडी इज फॉर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑरिफिस ऑरिफिस मीटर के लिए कोएफिशिएंट डिस्चार्ज. और इसकी वैल्यू जो रहेगी ना वो 0.6 के अराउंड रहेगी, 0.6, 0.65 है ना, तो इसके आसपास रहेगी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ना जो फाइनल एक्सप्रेशन है ये याद रखना. सो इट इज वेरी सिमिलर. अब देखो यहाँ ए नॉट है और ए वन है, तो बात देने वाली ध्यान देने वाली बात क्या है ये देखो, यहाँ पे यहाँ ऑरिफिस मीटर लगा है ना, और यहाँ पे भी आपने यूट्यूब पे ले लगाया था, तो कुल मिला के आपका ए वन क्या हो गया, ये हो गया ए वन, और ए नॉट क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल हो गया ए नॉट, ये याद रखने वाली बात है. ठीक है, और सेक्शन ये वाला जो विना कॉन्ट्रैक्टर था वो था ए टू, तो ए टू से मतलब नहीं है फॉर्मुले में, फॉर्मुले में ए नॉट से मतलब है, ये ध्यान देना, सॉल्व करेंगे हो जाएगा. उसके बाद आता है पिटोट ट्यूब. पिटोट ट्यूब क्या करता है, पिटोट ट्यूब का काम होता है लोकल वेलोसिटी मेजरमेंट करने का. ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आएगा लोकल वेलोसिटी कौन नापता है, तो भाई वो होगा पिटोट ट्यूब. तो पिटोट ट्यूब का कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए, जैसे कि अब मैं बात करता हूं किसी भी, देख लीजिए यहाँ पे जैसे ये बर्नौली इक्वेशन लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है हेड का समीशन है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ हेड है. अब इसमें ये सब कौन कौन से फॉर्म है ये देख लीजिए, जो पी है ना वो होता है स्टैटिक प्रेशर, और ये वाला जो टर्म है ना सेकंड वाला वेलोसिटी वाला वो होता है डायनेमिक प्रेशर, और जो लास्ट वाला होता है ना ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. ये रियल सेंस में कोई प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना डेटम के ऊपर डिपेंड करती है. मान लो अगर पाइप का फ्लो ऐसा है, मैंने डेटम यहाँ पे जूम कर लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो ये जेट की वैल्यू आपके ऊपर निर्भर करता है डेटम कहाँ रखें. तो ये जो मेन प्रेशर है ना ये दो से मतलब ये अपने को मेन, ये स्टैटिक प्रेशर क्या है और डायनेमिक प्रेशर क्या है. तो यहाँ पे ये जो स्टैटिक डायनेमिक प्रेशर का रोल है देखो क्या होता है, डायनेमिक प्रेशर मतलब ये है कि अभी आपका मोशन के कारण कुछ प्रेशर है, तो मोशन को अगर मैं स्टॉप कर दू रोक दू तो जो प्रेशर में राइज होगा ना वो हो जाएगा आपका प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर आ जाएगा. जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ देखिए, यहाँ पे पानी का फ्लो चल रहा पाइप में, पॉइंट ए लिया मैंने, पॉइंट बी लिया. अब देखो पॉइंट ए पे ये खुला फ्लो है, एकदम फ्लो में चल रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर में जो मेजर किया ना तो 15 आ रहा यूनिट. अब देखो पॉइंट बी मैंने क्या लगाया, एक ट्यूब लगा दिया जिसका सिरा खुला है एटमोस्फेयर. अब देखो ये जब पानी फ्लो कर रहा है तो यहाँ पानी क्या हो गया, ट्यूब के अंदर आके रुक जाएगा. तो पानी रुक जाएगा मतलब क्या हुआ, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कहाँ गई, उसकी जो क्या बोलते हैं डायनेमिक थी, डायनेमिक मोशन था वो सब कहाँ गया फ्लूइड का, वो कन्वर्ट हो गया प्रेशर में. ठीक है, तो स्टेग्नेशन प्रेशर क्या होता है, स्टेग्नेशन प्रेशर, तो स्टेग्नेशन मतलब होता है रोकना. तो जब पानी रुकेगा तो उस कंडीशन में जो प्रेशर में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी वो देखना. तो स्टेग्नेशन प्रेशर इज नथिंग बट द स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर. और डायनेमिक प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि इसमें आपका जो भी फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, तो उसको जब मैं एसेंट्रोपिकली क्या करूंगा, अपने मोशन को रोकूंगा. ठीक है, तो उस केस में जितना भी प्रेशर बढ़ेगा वो होता है डायनेमिक प्रेशर. ठीक है, और इन दोनों का समीशन स्टैटिक प्लस डायनेमिक प्रेशर इज स्टैग्नेशन प्रेशर. ठीक, तो यहां पे अगर मैं बर्नौली इक्वेशन लगा दूं, देख लीजिए ए और बी पे, तो आपको क्या मिलता है, देखिए ए पॉइंट पे देखिए प्रेशर एट ए, ठीक है, अपन रो जी लिख लीजिए, प्लस वेलोसिटी है, गुड वेलोसिटी लिख लीजिए वी स्क्वायर अपॉन टू जी, प्लस जेड वाला टर्म छोड़ लीजिए हॉरिजॉन्टल है. अब देखो प्रेशर एट बी, ठीक है, प्रेशर एट बी आ रहा डायरेक्ट और डिवाइड बाय रो जी, और वेलोसिटी तो जीरो है यहाँ पे, क्योंकि भाई प्रेशर बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो जीरो होगी. तो ये इक्वेशन बन के आता है पिटोट ट्यूब के लिए. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा. ठीक, मतलब कुल मिला के ये है कि भाई v स्क्वायर क्या हो जाएगा, Pb माइनस Pa अपॉन रो g इंटू टू जी. ठीक है, यहां से अंडर रूट लगा दो, हटा दो. ठीक है, तो आपको ये आंसर मिल जाता है यहां से. अब एक चीज और देख लीजिए, ये जो बर्नौली इक्वेशन है इसको रोजी को अगर मैं हटा दूं तो ये डायरेक्ट प्रेशर के फॉर्म में आ गया टर्म, तो
तो ये P प्रेशर हो गया, तो रो V स्क्वायर अपॉन 2 ये क्या हो गया, डायनेमिक प्रेशर हो गया। तो डायनेमिक प्रेशर का मतलब ये है कि ये देखो अब मैं क्या किया हूं, एक कॉन्सेंट्रिक होल लिया, ये डायग्राम में आ जाइए फर्स्ट, ये देखिए ये हो गया स्टेग्नेशन होल, मतलब ये ना एक ऐसा ट्यूब है जिसके अंदर दो लेयर है, तो ये देखिए इनर लेयर है, ये इनर ट्यूब है, ठीक है, इनर ट्यूब है मतलब पूरा अंदर तक गया इनर ट्यूब, और इसके चारों तरफ एक आउटर ट्यूब है, मतलब आउटर इनर का कोई मिलन नहीं है, अलग अलग है ना, ये समझना आपको। सो यू कैन सी देयर आर टू ट्यूब्स, दो ट्यूब्स हैं, एक इंटरनल ट्यूब एक एक्सटर्नल ट्यूब, तो इंटरनल ट्यूब में सेंटर में होल है और पूरा लास्ट तक गया, ठीक है, और एक्सटर्नल ट्यूब में देखो पेरीफेरी में होल है, ऐसा पेरीफेरी में होल है। तो ये डायग्राम को मैं यहां पे फिर से बनाने की कोशिश करता हूं, ये देखो इंटरनल होल है, तो इंटरनल होल में भी आ गया फ्लूइड अंदर, तो इंटरनल होल में जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी तो भैया क्या हो जाएगी, रुकी हुई है फ्लूइड की। अब देखो आउटर वाले में जब फ्लूइड जा रहा है लेकिन उसमें वेलोसिटी है तो केवल प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और इनर वाले ट्यूब में क्योंकि वेलोसिटी का जो जो भी फ्लूइड है उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज होकर जीरो हो जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर में बढ़ोतरी होगा, कुछ इंक्रीमेंट होगा, तो वो कितना है, इतना, क्योंकि आपको पता है कि पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब रो जी को हटा दो भाई, पी प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस रो जी एच कांस्टेंट। तो ये देख लीजिए ये क्या आता है, प्रेशर, क्योंकि ये भी प्रेशर है ना, तो ये सब प्रेशर वाले टर्म है, तो इतना प्रेशर राइज कर जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था, थैंक यू फॉर द लेक्चर।